हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पाइथन सीखने की सीरीज में। और आज की ये जो वीडियो है वो है पाइथन प्रोग्रामिंग की। आइए समझते हैं बेसिक पाइथन जो है, जब आप कोडिंग स्टार्ट करते हैं अपनी, तो उस समय जो आपको समस्याएं आती हैं उनके बारे में समझेंगे कि हम जब प्रोग्राम बनाते हैं या जब फंक्शंस जब हम बनाते हैं। देखिए, फंक्शंस दो प्रकार के होते हैं, एक प्री डिफाइन, एक यूजर डिफाइन। तो जब आप स्टार्ट करते हैं पाइथन को सीखना, तो उस समय आपको क्या क्या समस्याएं आ सकती है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको डेटा टाइप, ऑपरेटर्स वगैरह क्लियर होने चाहिए, तभी आप जो है पाइथन को ठीक से सीख पाएंगे। ठीक है, तो पहले तो इन सब चीजों पर कमांड कर लीजिए। डेटा टाइप क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, इन चीजों पर बहुत अच्छे से आप कमांड कर लीजिए। जब आप कमांड कर लेंगे, तो कमांड करने के बाद क्या होगा कि जब आप प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम दे दिया गया बनाने के लिए कि बताइए कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जो कि ये पता करे कि दिया गया नंबर प्राइम है या नहीं है, या कोई भी ऐसा प्रोग्राम, इवन ऑड का प्रोग्राम, छोटा मोटा प्रोग्राम बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल बना लिया, अब आपको ये सोचना है कि प्राइम नंबर जो है डेसिमल में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो कहाँ हो सकता है, प्राइम नंबर डेसिमल में थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप a नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और इज इक्वल टू इंट टाइप का होगा, तो इंट टाइप का होगा तो वो होल नंबर ही एंटर करेगा, डेसिमल नंबर एंटर करने की आपको ये नहीं देगा, परमिशन नहीं देगा। ठीक है, और यहाँ इनपुट फंक्शन आप यूज करते हैं ताकि आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू एंटर करवा सके, ये प्री डिफाइंड फंक्शन होता है इनपुट। और यहाँ पर स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई देगा, इंटर अ नंबर, यही दिखाई देना चाहिए। तो ये आपको दिखाई देगा और ये जैसे ही आपको दिखेगा तो आप एंटर करके नीचे आएंगे। अब जब नीचे आएंगे तो यहां पर कहानी शुरू होती है कि यहां पर जो है ए की वैल्यू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए में रखी हुई वैल्यू यानी ए इज ग्रेटर देन वन होना चाहिए। मतलब तो यहां पर हमने ये कह दिया कि ए की वैल्यू अगर बड़ी हो वन से, तो ऐसे में क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। ठीक है, अब लूप किस तरीके से चलाएंगे, देखिए यहां पर लिखेंगे फॉर आई, आई नाम से एक बना लेते हैं और इन एक ऑपरेटर है, इन रेंज लगाएंगे। तो रेंज एक फंक्शन है जो लास्ट माइनस वन कर देता है, आपको पता ही है जीरो से स्टार्ट करेगा, एक्चुअली ये सिचुएशन ऐसी होती है। और यहां पर चूंकि प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि प्राइम क्या होता है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो खुद से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता है। भाई हर नंबर तो खुद से डिवाइड होता ही है, तो ऐसे में प्राइम कैसे हो जाएगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए जो नंबर खुद से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो, तो जैसे मान लीजिए कि थ्री है, तो थ्री किन किन नंबर से डिवाइड होता है, क्या टू से होता है, भाई वन से तो सब होगा, तो वन से हम चेक नहीं कर रहे। ठीक है, और मान लीजिए कि थ्री है, तो थ्री क्या टू से डिवाइड हो जाएगा, टू से पूरा पूरा डिवाइड तो होगा नहीं, भाई डिवाइड तो हो ही जाएगा लेकिन टू से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर रिमाइंडर बच ही जाएगा, टू वन जा टू करेंगे और यहाँ पे आपका रिमाइंडर वन बच जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर टू से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, ए तक जाएंगे, यानी रेंज लगा हुआ है तो ए माइनस वन कर देगा, यानी जो भी ए में वैल्यू एंटर होगी उससे एक कम। ठीक है, अब मान लीजिए ए में कौन सी वैल्यू एंटर हुई, मान लीजिए ए में एंटर हो गया ए इज इक्वल टू, मान लीजिए 11 एंटर हुआ। ठीक है, तो अगर 11 एंटर होगा तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि दो से स्टार्ट करेगा, फिर तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, दस तक की वैल्यूज जो है जाकर के आई में स्टोर होगी, यानी पहले क्या आएगा, टू आएगा, फिर थ्री आएगा, फिर फोर आएगा, लाइन वाइज वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, और जैसे ही लाइन वाइज वैल्यूज आती जाएंगी तो फिर अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे डिवाइड कराना होगा, हमको चेक करना होगा कि क्या वो डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा कि नहीं हो रहा है, ये भी तो चेक करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इफ एल्स की कंडीशन देंगे फिर से। ठीक है, तो इफ एल्स की कंडीशन देंगे तो कैसे होगा, तो देखिए इफ लिखेंगे और इफ लिखने के बाद कहेंगे कि ए में रखी हुई वैल्यू को अगर हम मॉड्यूलस करवाते हैं किससे, आई से। अब आई से क्यों, क्योंकि आई में पहले वैल्यू क्या आई है, जरा सोचिए आई में क्या पहले वैल्यू आई है, तो आई में जो पहली वैल्यू आई है वो आई है टू। ठीक है, तो पहले टू से डिवाइड करेगा, फिर थ्री से डिवाइड करेगा, फिर फोर से डिवाइड करेगा, फिर फाइव से डिवाइड करेगा, क्योंकि हमने क्या माना है, हमने ये मान लिया है कि ए में 11 एंटर हुआ है। ठीक है, ये कुछ और भी हो सकता है, मैंने 11 ही मान लिया है केवल समझाने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ 6 हो गया, फिर यहाँ 7 हो गया, फिर यहाँ 8 हो गया, फिर यहाँ 9 हो गया, और फिर 10 भी हो जाएगा लेकिन 11 नहीं होगा क्योंकि प्राइम नंबर खुद से तो डिवाइड हो ही जाता है। तो यहाँ आई में ये सारी वैल्यूज जाएंगी, बारी बारी से आएंगी, तो इन सबसे डिवाइड करेंगे हम, और डिवाइड करेंगे तो अगर बीच में किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ तभी ये प्राइम होगा, अगर डिवाइड हो जाता है तब तो प्राइम होने की गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे नॉट प्राइम, क्या लिखेंगे, नॉट प्राइम। तो नीचे आते हैं यहां पर और प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट फंक्शन प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है,
और यहां पर आपको लिख देना है नॉट प्राइम, लेकिन ये वैल्यू जाएगी किस में, नॉट प्राइम तो हो जाएगा लेकिन ये किस में जाएगा, तो यहां पे पहले मैं लिख देता हूं नॉट प्राइम PRIME, और ये जाके स्टोर होगा a में, क्योंकि a ही तो लिया हमने वेरिएबल। और अगर मान लीजिए कि ठीक है ये तो हो गया, अब ये लूप तो चला जा रहा है, लूप तो चला जा रहा है, तो लूप को रोकने के लिए हम यहां पे ब्रेक कीवर्ड लगा देते हैं, ब्रेक एक कीवर्ड है जिससे हम लूप के बाहर आने का कार्य करते हैं। प्रिंट फंक्शन लगाएंगे यहां पे प्रिंट, और प्रिंट लगाने के बाद यहां पे कर देंगे प्राइम PRIME प्राइम कर दिया, और यहां पर क्या करेंगे a को फिर प्रिंट करा देंगे। तो ये हमारा लॉजिक बिल्कुल क्लियर है कि अगर यूजर ने 11 एंटर किया तो यहां पे चेक किया जाएगा 2 से लेके 10 तक, ठीक है, और वो वैल्यूज जो है जाके i में स्टोर होंगी, और फिर यहां पर जो है क्या होगा डिवाइड करवाएंगे i से, पहले 2 से डिवाइड करेगा a की वैल्यू को, मान लीजिए a में 11 ही है तो a को यानी 11 को 2 से डिवाइड करेगा, पूरा पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, फिर 3 से डिवाइड करेगा, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से, फिर 10 से, 11 से क्यों नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर तो खुद से डिवाइड हो ही जाता है। तो ये चीज है, अगर ये लॉजिक आपको समझ में आ गई तो आप पूरा पूरा प्राइम नंबर या कोई भी प्रोग्राम आप आसानी के साथ पाइथन में बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं इसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करने की, तो चलिए आइए इसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक ब्रैकेट नहीं दोनों, ठीक है, और फिर यहां पर क्या करेंगे, यहां पर चूंकि लिखेंगे हम एक कंडीशन, यहां पर देंगे एक ए की वैल्यू अगर बड़ी हो 1 से तभी तो ये लूप चलेगा, ठीक है, अगर छोटी होगी तब कहां लूप चलेगा, तब तो लूप चलने का सवाल ही नहीं है। तो यहां पर लगाएंगे लूप, तो फॉर आई इन रेंज, अब आई की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, हमने आई ही ले लिया 2 से लेकर ए तक, ठीक है, क्योंकि ए नाम ही लिया है हमने ऊपर, तो 2 से लेके ए तक कर दिया हमने, फिर एंटर करके नीचे आएंगे, और जैसे ही नीचे आते हैं तो यहां पे आपको क्या देना है, यहां पर आपको देना है प्रिंट, ठीक है, क्योंकि अब प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, तो प्रिंट भी करवाने के पहले क्या करेंगे, यहां पे इफ एल्स की कंडीशन देंगे, तो यहां इफ ए को मॉडुलस करवाएंगे किससे, आई से, और अगर रिजल्ट 0 आ जाता है तो ऐसे में ये पक्की बात है कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो वो क्या है, वो तो प्राइम होगा नहीं, तो नॉट प्राइम कर देंगे, और नॉट प्राइम करके चूंकि वैल्यू ए में स्टोर होगी तो एक को भी यहां लेके आएंगे, ठीक है। अब जैसे ही ये आ जाएगा तो अब जो है यहां पर हमें क्या करना है, जैसे ही ये आ जाएगा तो यहां पर अब हम लूप को ब्रेक करेंगे, पहले लूप तो चले जा रहा है तो यहां पे इसे ब्रेक लगा देंगे, तो लूप ब्रेक हो जाएगा यानी रुक जाएगा, लूप चलना बंद हो जाएगा, और यहां पर जो है इफ का एल्स जो है पूरा करेंगे हम, तो यहां पे एल्स लगाएंगे, ई एल एस ई, एल्स लगा दिया, और एल्स लगाने के बाद यहां पे एक कॉलन भी दिया जाता है, और एंटर करके नीचे आएंगे और यहां पर प्रिंट करा देंगे प्राइम, अगर ऊपर वाली कंडीशन टैली नहीं करती है, ठीक है, और यहां से अब रन करवाते हैं, तो देखिए यहां पे आ रहा है एंटर नंबर, तो अगर हम 5 एंटर करते हैं तो ये क्या बता रहा है, प्राइम बता रहा है, ठीक है, 5 प्राइम है। अगर मान लीजिए कि हम कोई और नंबर एंटर करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर इसको चलाते हैं और यहां पर हम 9 एंटर करते हैं, तो 9 को क्या बताएगा, नॉट प्राइम बता रहा है, ठीक है, यानी हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। और यहां पर अगर इसको फिर चला देते हैं और 11 एंटर करते हैं तो ये क्या बता रहा है, 11 प्राइम है, ठीक है। तो ये वो कंडीशन है कि आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।